सर के बारे में कि आप इनसे अभी मिले? हमने बहुत मतलब काफ़ी दिनों से जानते हैं, 6-7 साल पहले, मतलब ये हमारे अच्छे मित्र भी है, अच्छे शिक्षक भी है और दिल के बहुत अच्छे आदमी है। मैथ्स कैसे पढ़ाते थे सर? मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते थे, मैंने तो पूरा कोर्स इन्हीं के पास किया है मैथ का। तो सभी के हाथ में ना टीचर बनना पॉसिबल नहीं होता, एक शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सभी के जीवन में। तो मैं भी आज हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं एक सर, और स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मैं इंटरव्यू लूँगा, जो कि खुद एक राजस्थान से बिलोंग करते हैं और खुद एक टीचर हैं। साथ में उनके साथ कुछ कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ जो खुद उनके साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो सर से पूरा इंटरव्यू लेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे बच्चों को पढ़ाया, और सबसे बड़ी बात थी कि फ्री में कोचिंग देते थे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपका गुड नेम? सूरज मीणा, राजस्थान जयपुर से। अच्छा सर, तो आप अपना जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप अपने बारे में बताइए, पढ़ाई कैसे कितना किए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैंने मैथमेटिक्स में BSc MSc की थी। अच्छा, और पिछले लगभग 5 से 6 सालों से कंपटीशन को बच्चों को पढ़ाने का काम किया था जयपुर में। अच्छा अच्छा, क्या नाम था आपका कोचिंग का? कैरियर मैथ क्लासेस। अच्छा, वैसे हम देसी भाषा में गणित के देसी जुगाड़ के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, कोई आपका भी परिचित हो राजस्थान में तो शायद ऑलमोस्ट सब जानते होंगे उसको जयपुर में। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट बुक का ऑप्शन है मैथ्स का। जैसे कि सर ने भी मैथ्स पढ़ाते थे, तो इन्होंने भी अपना शेयर किया था मेरे से पर्सनली कि बेस्ट बुक है, इसको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 10,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इस सेट को मैं भी लगाया हूं दोस्तों, किरण का बेस्ट पब्लिकेशन है ये, आपका सभी चीज़ में काम आएगा, चाहे वो गुड्स गार्ड हो, चाहे ALP हो, JEE हो, टेक्नीशियन हो, जो भी पोस्ट का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या SSC या बैंकिंग है ना, या रेलवे का, तो ये बुक को ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पिछले 6 सालों में हमने लगभग 20,000 से 30,000 लोगों को शिक्षा दी है। अच्छा। और बहुत सारे बच्चे हज़ारों की संख्या में पढ़कर सेलेक्टिव हुए हैं सरकारी सेवा में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे साथ यहीं हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा फील होता है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो बड़ा गौरव सा फील होता है। सर ये क्या होता है कि ना, लोग कोचिंग खोलते हैं पैसा कमाने के लिए, आपके मन में ये कैसे आया कि फ्री में बच्चों को कोचिंग दें, और इतने सारे मतलब स्टूडेंट्स कैसे हुए, क्या परसेंटेज था सक्सेस रेट का आपके कोचिंग का? देखो इसमें दो बातें होती है कि एक तो अपन किसी चीज़ को मन से करें कि अपन को बच्चों को सच में आगे बढ़ाना है, अगर अपने पास नॉलेज है तो। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना दिया, धंधा बना दिया शिक्षा को। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको हर जगह, और आजकल यहाँ का तो पता नहीं लेकिन राजस्थान में तो आप देख लो हर नुक्कड़ पे दो दो तीन तीन कोचिंग मिल जाएगी आपको। अच्छा, लोगों ने धंधा भी बनाया उसको, लेकिन जिसने अगर सच्चे मन से पूरा समर्पित होकर अपने पास जो ज्ञान है उसको अगर देने की कोशिश की तो हमेशा सक्सेस हुआ है। बिल्कुल, हमने शुरू से यही सोचा था, हमने 12th पास की, उसके बाद हम पढ़ाने लग गए। 12th पास के बाद मैंने 11th क्लास को, 10th क्लास को, 12th क्लास को ट्यूशन पढ़ाया था, और BSc के बाद ये कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी। जी जी, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, MSc की थी वहाँ से रेगुलर मैथमेटिक्स से, और उसके बाद MPhil भी किया है, फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट के प्रति विशेष ज्ञान जिसे कहते हैं। जी जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग अच्छे मन से लोगों को मेहनत कराते हैं तो 100% नौकरी लगते हैं। बिल्कुल, एक सवाल रहेगा सर कि जैसे होता है ना, एक मेहनत करके अगर फैमिली बैकग्राउंड सही ना हो तो लगता है कि हाँ किसी की मदद की जाए, ये जो भावना है सबके में नहीं आती है। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा है फैमिली बैकग्राउंड, की कैसा परिस्थिति से आपने पढ़ाई किया, माँ बाप क्या काम करते हैं, और जिसके वजह से आपने इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया? देखो प्रशांत जी, फैमिली नाम का जो शब्द है ना, ये बड़ा प्यारा होता है जी, और आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा परिवारजन होगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे। अच्छा, शायद ही कोई ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात। इसके मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण भी दूंगा। एक बात मैं अपनी फैमिली के बारे में बता देता हूँ कि माता पिता खेती करते हैं शुरू से ही। अच्छा। और हम परिवार में 6 सदस्य, 5 बहनें हैं, 1 मैं हूँ। हम 5 बैल एजुकेटेड हैं। अच्छा। जिसमें से 3 बहनें भी नौकरियाँ करती है। अच्छा। तो
परिवार की ओर से तो हमेशा पढ़ने में खूब सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, एक कोचिंग मैंने कोई गरीबी या फिर निचली स्तर की हालत देख के स्टार्ट नहीं की थी। सेवल मेला एक बच्चों की सेवा करना, मदद करना उनकी, हमेशा से मेरे अंदर जुनून था जी जी कि मैं जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो हज़ारों की संख्या मेरे चाहने वाले होंगे, जब लोग यहाँ से निकल कर नौकरी लगेंगे तो नाम होगा मेरा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सही बात, पैसा कमाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। पहले भी मैंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ, मेरा फाइनली भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ। कुछ दिनों नौकरी भी की है मैंने पहले, और भी एग्जामों में, पहले रेलवे में 2018 में ग्रुप डी में पास हुए, बॉम्बे में नौकरी लगा था, SSC 10+2 में मैंने नौकरी की है। अच्छा, लेकिन ये कोचिंग छोड़ना बहुत मुश्किल हुआ था, तो अब की बार तो जो तो करके छोड़ दिया। छोड़ा तो क्या, ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे जल्दी। बिल्कुल, जल्दी आपसे फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन क्लास चालू करेंगे हम यहीं से, ऐसे एक बार ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जैसे भी स्टेशन मिलेगा जी जी, आप लोगों का साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से दोबारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करेंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड की आपने बात की थी, तो फैमिली बैकग्राउंड तो हमेशा सपोर्टिव होता है, और मेरा ही नहीं सबका होता है। कोई भी बच्चा आप देख लीजिए, सबको फैमिली बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। बस यही है कि आज के समय में क्या होता है, नवयुवक के गलत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, वरना फैमिली तो इतना सपोर्ट कर दिया कि कभी आप आपके घर जाइए। सही बात है, और कितना भी ज़रूरी अगर घर के घर पर काम है, अगर आप गलती से किताब लेके बैठ गए ना, तो आपके माँ बाप आपसे कुछ भी काम के लिए नहीं बोलेंगे। 100% सच्चे हैं। लेकिन आजकल बाहर किराए से रहने वाले बच्चे फैमिली का गलत फ़ायदा उठाते हैं, घर वाले तो सोच रहे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब आपका पूरा स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि कैसे आपने पढ़ाई किया, चाहेंगे सर अब आपका स्ट्रेटेजी पर कि आपने कोचिंग को अपना कितना समय दिया और खुद कितना सेल्फ स्टडी किए, ये बताना चाहेंगे। क्लास जो मेरी होती थी ऑफलाइन बैचों में, वो मैंने नॉन स्टॉप 14 घंटे क्लास लिए हैं। अच्छा, नॉन स्टॉप 14 घंटे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लगातार बिना अच्छा, कोई रुके हुए। अच्छा, मतलब बच्चों को इतना प्यार मिलता था कि ना तो परेशान होने का नाम ना थकने का नाम, बड़े उड़े बैच चलते थे और लगातार 14 घंटे क्लास लेता था मैं। जो NTPC में मेरा सिलेक्शन हुआ था केवल मैथ और रीजनिंग के भरोसे हुआ था। अच्छा, केवल मैथ और रीजनिंग के भरोसे। मैथमेटिक्स में शुरू से ही 10th क्लास और 12th क्लास अच्छे मार्क्स पाए, हमेशा फुल मार्क्स मिले। अच्छा, और इसमें भी लगभग प्री और मैन दोनों में ऑलमोस्ट सारे परसेंट सही है, मैथ और रीजनिंग इनके भरोसे सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाया वही चीज़ आपको एग्जाम्स में काम आते गया। वही एग्जाम में काम, एग्जाम में काम नहीं, उसी के भरोसे हम यहीं तक पहुँचे हैं और उसी के भरोसे और आगे जाना चाहते हैं। केवल गणित को ही मैंने अपनी ज़िंदगी माना है और गणित के भरोसे ही सब कुछ किया। तो 14 घंटे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा साइको के लिए प्रिपरेशन किया था मैंने, खुद से सेल्फ किया था। तो एक बार सोच लिया था कि इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दिन भर क्लास लेना, रात में देर रात तक पढ़ना। लास्ट 8 से 10 दिन की पढ़ाई की थी मैंने साइको के लिए, तो उसमें पूरी तरीके से कितना नंबर आया था बताइए। साइको में आए थे 24.87 आए थे, मतलब बहुत अच्छे लेवल के नंबर थे, शायद ही किसी को होंगे इतने नंबर। दोस्तों अगर साइको में 30 में कोई 21-22 भी पाता है ना, वो बहुत अच्छा टॉप नंबर्स पाता है। सर ने तो 24 अचीव किया था, तो साइको का आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपने तैयारी किया था, कौन सा प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी। मैंने टेस्ट दिए थे वैसे ही मिलने वालों से ले के, मैंने कहीं से नहीं चल, कहीं कोचिंग नहीं की। अच्छा, किसी का कोर्स नहीं लिया, बस से खुद से ही बहुत सारे खुद नहीं प्रैक्टिस की थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अच्छा। से खुद ने प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी, जैसे 14 घंटे पढ़ाना, उसके बाद 5 से 6 घंटे 10 दिन के लिए साइको की प्रैक्टिस करना, मतलब एक लास्ट के जो 10 दिन बचे थे ना अपनी, शायद 30 या 31 को साइको हुआ था जुलाई में। अच्छा, तो उसके लिए लास्ट के 10 दिन तो बिल्कुल सोना खाना पीना सब बंद कर दिया, 20-20 घंटे काम किया था, 14 घंटे कोचिंग में काम, 6 घंटे सेल्फ स्टडी काम। और ऐसा कुछ भी नहीं, अगर किसी के काम के प्रति आप सच में मेहनत करते हैं ना, तो आदमी 5 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन आराम से कम में सोकर काम चला सकता है जीवन में। अब हम सर के स्टूडेंट्स लोग को बुलाना चाहेंगे जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आइए सर आप लोग भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, खड़ा एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं सब। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपने लोगों को यहाँ तक आने के लिए, आप लोग का भी जर्नी थोड़ा शेयर करें और सर के बारे में कि आप इनसे अभी मिले। हमने बहुत मतलब काफ़ी दिनों से जानते हैं, 6-7 साल पहले, मतलब ये हमारे अच्छे मित्र भी है, अच्छे शिक्षक भी है और दिल के बहुत अच्छे आदमी है। हम भी मतलब जैसे इनसे ही पूछ के फॉर्म लगाया था हमने कि भाई सर आप कहाँ से लगा रहे थे, उन्होंने बोला सिकंदराबाद से। अच्छा, मैं सर मैं भी वहीं से लगाऊंगा कि ठीक है भाई तेरी इच्छा है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही इनका भी यही सीन है। तो हम मतलब सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी बात है। आप बताना चाहेंगे कि मैथ्स कैसे पढ़ाते थे सर। मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते थे,
मैंने तो पूरा कोर्स इन्हीं के पास किया है, मैथ का अच्छी तैयारी कराई थी इन्होंने, साथ में ही करते थे हम तैयारी। आप ये बताना चाहेंगे भाई कि आपने किस एज में नौकरी को अचीव किया है सर की वजह से? मैंने 23 एज में नौकरी अचीव कर लिया है सर की वजह से। और पोस्ट बता दीजिए? पोस्ट स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू आप लोग को बहुत ही मोटिवेशनल मिलेगा। जो पढ़ाता है दोस्तों एग्ज़ाम में, रेलवे में तो कम से कम एग्ज़ाम आसानी से क्लियर होता है, इतना आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। तो कोचिंग आप लोग भी पढ़ाइए बच्चों को, चाहे आप जैसे भी पढ़ाएं। तो सर से लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कैंडिडेट्स लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, तैयारी के लिए कैसे टिप्स देना चाहेंगे? मैं बताने को बहुत सारी बात है, आज की नई जनरेशन खुद समझदार होती है जी, अपना ज़्यादा नहीं कहते, नहीं बच्चे ये और कहेंगे कि हम सुनते अपने माँ बाप के, नहीं तुम कौन होते सुनाने वाले। सही बात। तो उनको पता है एक अच्छी पहले प्लानिंग करो कि हमें इस चीज़ में ही नौकरी लगनी है। बहुत बार क्या होता है, जैसे अपने अभी वैकेंसी चल रही दिल्ली पुलिस की, और को मान लो रेलवे की वैकेंसी जाए, तो ये सोचता है कि यार तैयारी मैं रेलवे की कर लेता हूँ और दिल्ली पुलिस की भी कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो दर नहीं तो दर हो जाएगा। तो ऐसे कभी सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। अच्छा, एक चीज़ की प्रॉपर फोकस कीजिए आप लोग कि मुझे दिल्ली पुलिस का ही करना है। अब उसकी आड़ में जैसे बहुत सारी एग्जाम आती है ना, उन्हें बिल्कुल मत भटके। मेरा मानना है कि उन्हें फॉर्म ही मत लगाइए आप लोग। एक बार जिसका आपने प्रिपरेशन करने का प्लान बना लिया ना, उसमें आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते बस उसी के प्रति आपको पूरी तरह से झोंक दीजिए। कितना घंटे की पढ़ाई है का एवरेज में देखा जाए तो? रोज़ आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से सच्चे मन से, तो 6 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट होती है जी। आदमी को केवल 3 महीने में 6 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट होती है जी। जी बहुत होता है 6 घंटे पढ़ना रोज़ रोज़, अगर रेगुलर पढ़े आदमी 6 घंटे 3 महीने बार पढ़ ले तो आराम से आदमी नौकरी लग जाता है। दोस्तों आज का आप लोग को इंटरव्यू कैसे लगा ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। आज के वीडियो में इतने ही, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है, और आप लोग का भी हम इंटरव्यू लेंगे। और ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, राजस्थान में कम से कम तो कैंडिडेट्स लोग मोटिवेट होंगे आज के वीडियो से, और भी जगह के लोग होंगे, क्योंकि अपनापन अपना लगता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।